चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। वाका पर्थ का मैदान है, बड़ा ही खूबसूरत ग्राउंड है इस वेन्यू के ऊपर। आज के दिन 28 नवंबर को मैच हुआ था ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी थंडर का द एलिमिनेटर। उसके अंदर क्या वो देखते हैं, इसके अंदर ब्रिस्बेन हीट पहले बैटिंग करने आती है। टॉस वैसे सिडनी थंडर ने जीता, ब्रिस्बेन हीट तो पहले भी कह रही थी हम टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करेंगे प्रेशर गेम के अंदर, तो इन्होंने 169 का टारगेट दिया 8 विकेट गवा के। सिडनी थंडर चेस करने आती है और वो 125 रन पर 9 विकेट गवा देती है, टारगेट को चेस नहीं कर पाती। फिर इससे पहले 157 बना, यह मैच था मेलबर्न स्टार्स का अगेंस्ट पर्स स्कॉचेस, जिसके अंदर मेलबर्न स्टार्स ने 158 का टारगेट दिया था 6 विकेट गवा के। फिर यहां पर आती है होम टीम पर्स स्कॉचेस चेस करने, वो टीम भी यहां पे 124 बनाई 9 विकेट गवा के। लास्ट दो मैचेस एकदम सेम गए, देखो 125 पे 9 विकेट और उससे पिछले में 124 पे 9 विकेट गिरा था। फिर देखेंगे इससे पहले 165 बना 7 विकेट गवा के, लास्ट बॉल पे जाके मैच खत्म हुआ, जो टीम चेस कर रही थी वो जीत गई। 104 बना, टीम ऑल आउट हो गई बैटिंग फर्स्ट करते हुए। जो टीम चेस करने आती है वो करीबन 16वें ओवर के अंदर मैच जीत जाती है 27 बॉल रहते हैं 7 विकेट से। 171 बना, टारगेट चेस हो गया। तो जो पिच रहती है ना, बहुत बढ़िया पिच रहती है और आप देखेंगे जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसको एडवांटेज मिलेगा। अंडर द लाइट्स हल्का सा बॉल स्विंग होगी यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में, तो देखते हैं। इस वेन्यू के ऊपर पर्स स्कॉचेस को होम ग्राउंड है, जो क्राउड यह मैच देखने आएगी वो पर्स स्कॉचेस को सपोर्ट करेगी। अब देखें पर्स स्कॉचेस ने 29 मैच यहाँ पर खेला है, 17 जीता है और करीबन 12 मैच हारी है। ब्रिस्बेन हीट 5 मैच खेली है, 3 जीती है और 2 मैच हारी है। बट एडवांटेज क्या है ब्रिस्बेन हीट के पास, मोमेंटम इनके साथ। ये आज यहाँ पर खेले जीते, ये कल फिर से यहाँ पर खेलेंगे तो वही बात है। बैटिंग पर 7 मैच जीता गया, चेस करते हुए 7 मैच जीता गया है। जो टीम जिस दिन अच्छा गेम दिखाती है नॉर्मली वहाँ पर डोमिनेट करती है। जो आज मैच हुआ था उसमें 10 विकेट पेसर ने निकाला था, 5 विकेट स्पिनर्स के नाम थे, 2 विकेट लॉरेंस स्मिथ का पहली बारी में, 1 विकेट समंता बेट्स का। सेकंड इनिंग्स में अमेला खैर और जेस जेनसन को 1-1 विकेट मिला। लास्ट 14 मैचेस में पेसर्स ने 93 विकेट निकाला है, पहली पारी में 50, दूसरी पारी के अंदर 42 है। राइट आर्म पेसर 86, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 6 विकेट है। स्पिनर्स के 82 विकेट्स हैं, पहली पारी में 41, दूसरी पारी के अंदर भी 41। मैं साइड होता हूँ अच्छे से आपको दिखेगा, ऑफ स्पिनर्स का 51, लेग स्पिनर्स का 18, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 13 विकेट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पिचर्स की फोटोज की तरफ। ये जो आज मैच हुआ था ना एलिमिनेटर का, ये तब की पिच की फोटो है और 99% चांसेस है उसी पिच के ऊपर ये मैच हो सकता है, बिकॉज ये पिच अच्छा खेली थी और ये सबसे बीच वाली पिच है, सेंटर पिच है। मैं बताऊंगा क्यों ये सेंटर पिच है, ये देखो आप ऐसी पिच यहाँ पर दिखी थी, हल्की सी ग्रास की लहर थी पिच के ऊपर, जो ज़्यादा हरकत करी नहीं, हल्की सी ग्रास थी, ज़्यादा बड़ी मात्रा में ज़्यादा मिलीमीटर में ग्रास नहीं थी। ये देखो आप, इससे पहले जब मैच हुआ था तब ऐसी पिचेस थी। सामने की बाउंड्री आज के मैच में 68 मीटर्स थी, स्क्वायर बाउंड्री 63 एंड 62 मीटर्स थी। ये दर्शाता है कि बीच वाली पिच पर मैच खेला गया था और आपको वाका के ऊपर ज़्यादा बाउंस देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अदर वेन्यूज। आप देखेंगे ब्रिस्बेन के ऊपर बॉल, ये ब्लू कलर की जो बॉल है ना ये ब्रिस्बेन की है, रेड कलर की वाका की बॉल है, बाउंस बता रहा हूँ मैं। और नॉर्थ सिडनी पे बॉल कितना नीचे रहती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया ग्राफिक्स। ये स्टेडियम का व्यू है, बड़ा एक खूबसूरत ग्राउंड है, आप देख सकते हैं। ये पिच आपको दिख रही है, ये सबसे साइड वाली पिच है, कितनी हरी भरी पिच है ये। और मैं अभी जहाँ पर आज मैच हुआ था ये पिच ऐसी थी, ज़्यादा हरी भरी नहीं थी, मीडियम सरफेस था आप कह सकते हैं। ये देखने को मिलेगा आपको स्टेडियम का व्यू फ्रॉम द स्काई, कह लो आप ड्रोन व्यू। ये ऑप्टा स्टेडियम है, दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पे वर्ल्ड कप के मैचेस हुए थे, जिसको हम पर्थ स्टेडियम भी कहते हैं, ऑप्टा स्टेडियम कहते हैं। और ये वाका का स्टेडियम है, ये बहुत पुराना स्टेडियम है, ये छोटा था साइज़ में, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ऑप्टा स्टेडियम बनाया था पास ही के अंदर, कि बड़े मैचेस यहाँ पे होस्ट करे जा सकें। ये स्टेडियम का व्यू है, दिख रहा है। ये स्पेशल पिच रिपोर्ट फ्रॉम द वाका, कैसे लगी कमेंट करके बताना मेरे को। चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लो।